भूत की कहानी भूतिया ढाबा। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। जय सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उससे एक पुराना किस्सा याद आ गया था। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसीलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। तभी हस्ती मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे, तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसकी बस से तेज आवाज़ आई। यह वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबको कहा बस का टायर बदलने के लिए करीब 2 घंटे लगेंगे, आप सब बस के नीचे उतर जाएं, मैं इसे बदल देता हूं। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहां गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूं। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलने हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहां एक बुढ़िया व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ है और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा आप सब चाय पी लीजिए, जहां अक्सर लोग की गाड़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूं। आप जैसे राहगीरों की कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गईं। वहां अंकिता ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उससे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। यह सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका लीं। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीनी शुरू की। उसी वक्त जोर जोर से किसी ने चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ से सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और अपने बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा कर बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजा से सबको कह दिया कि अकेला कोई नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना दूर डरे हुए थे कि अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप सो गए। उसके बाद पिकनिक स्टॉप पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते के बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने एक दूसरे से बस के बच्चे से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया। लेकिन पिकनिक से लौटते ही
सबने अपने दोस्तों और दूसरों क्लास को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही जय भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। कहानी से सीख, बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती हैं। धन्यवाद। आप सबको ये अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है, कृपया करके हमारी कहानी के वीडियो को लाइक और कमेंट करना जरूर ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। सो धन्यवाद, मिलते हैं हम इसी तरह अपनी अगली और नई कहानी में।